दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कैसे हम मैरी क्रिसमस का पोस्टर 3D ग्रेडियंट के साथ बना सकते हैं। आप इस वीडियो को देख के किसी भी तरह का पोस्टर बनाना बहुत ही इजीली सीख सकते हैं। आप हैप्पी न्यू ईयर का और बर्थडे विशेस के लिए पोस्टर इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप खुद से इलस्ट्रेटर में तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको कीबोर्ड से L प्रेस करना है। L इज अ शॉर्टकट फॉर एलिप्स टूल। अगर आप एलिप्स ड्रॉ करेंगे और साथ में शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो ये एक सर्कल ड्रॉ होगा। तो सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज करूंगा। मैं कोई भी एक ब्राइट कलर लूंगा क्योंकि मैं आपको ग्रेडियंट ब्राइट कलर के आजकल ग्रेडियंट जो हैं वो ट्रेंड में है, इसलिए मैं ब्राइट कलर ही चूज करूंगा। तो इस सर्कल को एक डार्क कलर देने के बाद मैं कीबोर्ड से यू प्रेस करूंगा। यू प्रेस करने के बाद आपको सर्कल पे जाना है और स्टॉप किसी भी एक कॉर्नर पे क्लिक करना है। इसके बाद दोबारा आपको फिल पे जाना है और डबल क्लिक करना है और मैं कोई एक दूसरा ब्राइट कलर चूज करूंगा। तो मैं इस तरह का कुछ कलर चूज करूंगा। इसके बाद आपको सर्कल पे दोबारा जाना है और नीचे इस जगह क्लिक करना है। इसके बाद मैं दोबारा फिल पे जाऊंगा, डबल क्लिक करूंगा और कोई और दूसरा कलर चूज करूंगा। ये देखिए मैंने 3 ब्राइट कलर्स जो है चूज किए हैं। दोस्तों इसके बाद आपको 12 टूल सेलेक्ट करना है। 12 टूल इस जगह है, इस जगह आपको राइट क्लिक करना है और थर्ड ऑप्शन है 12 टूल। 12 टूल सेलेक्ट करने के बाद आपको इस पे डबल क्लिक करना है और एक नया डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको विड्थ हाइट एंगल कुछ चेंज नहीं करना, आपको इसकी इंटेंसिटी चेंज करनी है। मैं इसकी इंटेंसिटी कम करके करूँगा 20। टोल रेट 40 डिग्री बहुत ज़्यादा है, इसके लिए मैं वैल्यू चूज करूँगा 5। डिटेलिंग 1 रहेगी, सिंप्लीफाई कम करके मैं करूँगा 30। ब्रश साइज हमें दिखना चाहिए और हम ओके पे प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट पे जाना है और जो चारों ये एंकर पॉइंट्स है, जो मेन एंकर पॉइंट्स है, उन पर जाना है और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके रखना है और ये अपने आप रोटेट होंगे। चारों एंकर पॉइंट्स पे मैं जाऊंगा और इन्हें रोटेट करूंगा। आप अपनी मर्जी के हिसाब से कितना भी रोटेट कर सकते हैं। जो पहला एंकर पॉइंट है वो कुछ ज़्यादा हो गया रोटेट, तो उसके लिए मैं इस जगह दोबारा क्लिक करूंगा और इसे थोड़ा वापस डायरेक्शन में जाएगा ये। तो इस तरह करने के बाद मैं दोबारा सिलेक्शन टूल ऑन करूंगा। ये देखिए इस तरह का कुछ डिज़ाइन बन गया हमारे सामने। अब मैं कीबोर्ड से M प्रेस करूंगा और एक रेक्टेंगल इसके अंदर ड्रॉ करेंगे हम। इसके बाद आपको दोबारा V प्रेस करना है। V इज़ अ शॉर्टकट फॉर सिलेक्शन टूल। आपको सर्कल और रेक्टेंगल दोनों को सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करना है और मेक क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करना है। ये देखिए कितनी आसानी से हमने जो 3D ग्रेडियंट्स जो आजकल ट्रेंड में है वो ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद दोस्तों आपको कीबोर्ड से T प्रेस करना है। T इज़ अ शॉर्टकट फॉर टाइप टूल। मैं स्क्रीन पे किसी भी जगह क्लिक करूंगा और लिखूंगा आई विश यू और मैं इसका फॉन्ट चेंज करके करूंगा गौतम फॉन्ट जियो गौतम बुक, बिकॉज ये फॉन्ट मुझे पसंद है और मैं इसका कलर करूंगा वाइट कलर और इसे एक बार इसी जगह रखेंगे। तो लेकिन इसका साइज थोड़ा बड़ा करेंगे, इसका साइज 12 है, 18 ये सही रहेगा ये साइज। इसके बाद पेन से मैं इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करूंगा। लाइन सीधी ड्रॉ हो इसलिए आपको साथ में शिफ्ट बटन प्रेस करके रखना है सो दैट बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ हो। और इसके फिल को स्ट्रोक में कन्वर्ट करूंगा। आपको इस डबल हेडेड एरो पे क्लिक करना है, इस तरह से वाइट लाइन हमें नजर आएगी। लेकिन इस लाइन के दोनों एंड्स में राउंड करना चाहूंगा तो आपको स्ट्रोक पे जाके क्लिक करना है और कैप सेकेंड ऑप्शन है उसमें राउंड कैप वाली ऑप्शन चूज करनी है आपको। इसके बाद इसकी एक कॉपी करेंगे। कॉपी के लिए कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ प्रेस करना है और मैं इसे मूव करके एक नीचे रखूंगा। तो इसे
प्रॉपर अलाइनमेंट मूव करने के लिए आपको इसके साथ में शिफ्ट बटन प्रेस करके रखना है। ये थोड़ी ऊपर थी, मैं इसे नीचे किया। दोबारा टाइप टूल ओपन करेंगे, स्क्रीन पे हम किसी भी जगह क्लिक करना है और आपको टाइप करना है मैरी क्रिसमस। और इसका एक फॉन्ट है जो मैंने नेट जो इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है, आप गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, फॉन्ट का नाम है मैरी क्रिसमस फ्लैग फॉन्ट। मैं उस फॉन्ट को चूज करूँगा, मैरी क्रिसमस फ्लैग। आपको इस फॉन्ट को चूज करना है, इसका साइज बढ़ा करके हम करेंगे 24। ये हम कार्ड बनाना चाहते हैं और इसे हम कंट्रोल जेड, पहले मैं इसकी बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके लॉक कर देंगे। लॉक करने का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस 2। इसके बाद आई विश और इसे हम सिलेक्ट करेंगे और मूव करके मैं थोड़ा नीचे रखूँगा। और इसके बाद मैरी क्रिसमस को सिलेक्ट करना है, इसका साइज बिल्कुल सही है और इसका कलर भी मैं वाइट करूँगा और इसे मैं सेंट्रली अलाइन करूँगा और इसे दोबारा इसके नीचे लेके आएंगे। और इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसी फॉन्ट में ऑप्शंस अलग अवेलेबल अलग हैं, मैं इसकी एक कॉपी कर लूँगा। आपको साथ में अल्ट बटन प्रेस करके रखना है और इसकी एक कॉपी कर लेनी है और आपको इसे डिलीट करना है और इसकी जगह प्रेस करना है 0। जब आप 0 प्रेस करेंगे तो अपने आप ये जो सेंटा क्लॉज के जिसकी हेल्प से वो चलाता है वो आइकन आ जाएगा। इसका साइज थोड़ा बड़ा करेंगे, इतना काफ़ी है। ये गैप थोड़ा ज़्यादा है, मैरी क्रिसमस, तो मैरी को भी हम ऊपर लेके जाएंगे थोड़ा। इसको थोड़ा अंदर की तरफ करेंगे, इन सबको एक अलाइनमेंट में रखेंगे हम प्रॉपर। इसकी एक कॉपी करेंगे, अल्ट प्रेस करके रखना है और शिफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और इसकी एक कॉपी हो जाएगी। इसे हम रोटेट करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, रिफ्लेक्ट करना है और वर्टिकली रिफ्लेक्ट, ओके। देखिए खूबसूरती थोड़ी और बढ़ाने के लिए इसकी एक कॉपी करेंगे, अल्ट बटन प्रेस करना है और इसकी एक कॉपी इस जगह रखेंगे और इस जगह मैं प्रेस करूंगा नंबर 4। अगर आप 4 नंबर प्रेस करेंगे तो ये गिफ्ट का आइकन आ जाएगा, इसकी एक कॉपी इस तरफ भी रखेंगे। और इसके बाद इस पूरे को मैं सेलेक्ट करूंगा और थोड़ा नीचे मूव करूंगा और ऊपर का जो एरिया ब्लैंक है इसमें हम सेंटा क्लॉज के ट्रीज लगाएंगे। आपको इसके बाद इसकी एक कॉपी करनी है कंट्रोल सी और उसके बाद कंट्रोल एफ और इसकी कॉपी को हम मूव करके रखेंगे इस जगह। और अब नंबर करेंगे हम प्रेस 1, वो क्रिसमस वाला ट्री आ जाएगा। तो इसकी भी एक कॉपी और करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और कॉपी को इस जगह रखेंगे। लेकिन जो इसकी कॉपी है उसका साइज थोड़ा छोटा करेंगे, साइज एक समान छोटा हो इसके लिए आपको साथ में शिफ्ट और अल्ट दोनों बटन प्रेस करके रखने हैं, थोड़ा और छोटा करेंगे इसका साइज, इतना काफ़ी है। इसकी कॉपी करेंगे कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और मूव करके रखेंगे एक इस तरफ। इसके बाद आपको इसकी एक कॉपी करनी है कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और उस कॉपी का हम साइज बड़ा करेंगे। का साइज मैं काफ़ी बड़ा करूँगा और इसकी ओपेसिटी हम डिक्रीज करके करेंगे 12%। इसके बाद कीबोर्ड से हमें एल प्रेस करना है, एल प्रेस करके इस जगह मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। तो ये सर्कल ड्रॉ हो इसके लिए आपको साथ में शिफ्ट बटन प्रेस करके रखना है। ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसका साइज थोड़ा कम करेंगे, साइज कम करते वक्त भी आपको साथ में शिफ्ट बटन प्रेस करना है, ये अभी भी थोड़ा ज़्यादा है।
ये होगा। इसके बाद मैं नीचे ट्रीज बनाऊंगा। ट्रीज बनाने के लिए सबसे पहले मैं पेन टूल ओपन करूंगा और एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे। इसे मैं कलर दूंगा ब्लैक और इसका जो फिल है वो स्ट्रोक में कन्वर्ट करेंगे इस तरह से। इसके बाद आपको इस टूल पे जाना है, राइट क्लिक करना है और पॉलीगन टूल सेलेक्ट करना है। स्क्रीन पे हम किसी भी जगह सेलेक्ट करेंगे और नंबर ऑफ साइड इसकी फिल करेंगे 3 और ओके प्रेस करेंगे तो इसका जो फिल का जो कलर है वो ब्लैक चूज करेंगे। ये बहुत बड़ा है, इसके लिए इसका साइज मैं डिक्रीज करके थोड़ा छोटा करूँगा और इसे मैं मूव करके एक बार रखूँगा इस जगह। इसके बाद इसकी एक कॉपी करनी है, कीबोर्ड से अल्ट बटन प्रेस करना है और इसे हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे और इसका साइज थोड़ा बड़ा करेंगे। इसके बाद इसकी एक और कॉपी करनी है, उसका साइज थोड़ा और बड़ा करेंगे, देखिए इस तरह से। और ये जो डंडा है इसकी वैसे हमें ज़रूरत नहीं है, इसे हम डिलीट कर देंगे, इसे ऐसे ही रखेंगे। तीनों के बीच में गैप इक्वल नहीं है तो गैप थोड़ा हम इक्वल करेंगे। इन तीनों को हम सेलेक्ट करेंगे और वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट पे हम क्लिक करेंगे और तीनों का जो साइज है वो सेम हो जाएगा। इसके बाद आपको विंडो पे जाना है, पाथ फाइंडर टूल ओपन करना है और इन तीनों को हम यूनाइट कर देंगे। एक बार मैं इसकी एक कॉपी कर लेता हूँ, बैकअप के लिए फर्स्ट कॉपी हम रखेंगे और पूरे पोस्टर का साइज जो है वो बड़ा कर लेते हैं। सॉरी, पोस्टर जो है हमने लॉक किया हुआ है तो अनलॉक करने के लिए सबसे पहले कंट्रोल अल्ट प्लस 2 प्रेस करेंगे। इस तरह से जो ऑब्जेक्ट्स हमने लॉक किए हैं वो सभी अनलॉक हो जाएंगे और इसका साइज अब हम थोड़ा बड़ा करेंगे सो दैट इजीली हमें दिखाई दे सके। जो हमने ट्री तैयार किया इसका भी साइज थोड़ा बड़ा करेंगे। और इसके बाद आपको इफेक्ट पे जाना है, इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जाना है डिस्टॉर्ट पे, उसके बाद डिफ्यूज ग्लो पे क्लिक करना है। डिफ्यूज ग्लो पर जाने के बाद आपको ग्रेननेस का साइज रखना है 6, ग्लो अमाउंट 10, क्लियर अमाउंट 15। क्लियर अमाउंट थोड़े कम कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा आइज शो करना चाहते हैं और हमें ओके पे प्रेस करूँगा और इसके ब्लैक कलर की जगह मैं शो करूँगा ग्रीन कलर बिकॉज ये सेंटा क्लॉज का ट्री शो करना है हमें। और इस ट्री को मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ एक कॉपी करेंगे, इस कॉपी को मूव करके रखेंगे इस जगह बॉटम पे। ये अभी थोड़ा बड़ा लग रहा है, साइज का साइज थोड़ा छोटा करेंगे, इतना काफ़ी है। लेकिन अपीरेंस पे जाएंगे, डिफ्यूज ग्लो पे क्लिक करेंगे एक बार और क्लियर अमाउंट जो है वो ज़्यादा रखेंगे 18। इससे जो क्लियर अमाउंट है वो ज़्यादा हो गई। इसकी कंट्रोल सी कंट्रोल एफ एक कॉपी करेंगे और अल्ट प्रेस करेंगे एक और कॉपी करेंगे, देखिए इस तरह से मैं तीन ही इसकी कॉपीज करूँगा। तो इसकी तीन कॉपीज करने के बाद आपको कीबोर्ड से एम प्रेस करना है और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे इस पोस्टर के ऊपर हम, सो दैट अगर कोई पार्ट पोस्टर से बाहर है तो पोस्टर के अंदर अपने आप आ जाएगा। इसके बाद आपको इसे सेलेक्ट करना है, दोनों को राइट क्लिक करना है और मेक क्लिपिंग मास्क। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने कितनी आसानी से ये मैरी क्रिसमस का जो पोस्टर है वो हमने डिज़ाइन किया है। आप क्रिसमस की जगह कोई भी पोस्टर इस तरीके से इतनी आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। आप इसकी जगह हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.